मैं तो मैं कवैया असली मैं नौ नौ घंटे रियाज किया और चार पांच घंटे का गल ही कुछ नहीं। सो थोड़ा प्यार चाहिए बहुत बड़ी रहमत है मेहरबानी है। छोटा जहा एक रविदास माता का गाने तो उस तो बाद एक भजन गा देने वो बाई कहने चार बजाने चार शाम वाले कौन तड़के ताली भी जाओ जरा भैन दसनिया भी होर किन्ना चिर करिए दो गल ही होर किन्ना चिर करिए ताली भी जाओ जोर वाले बहुत मेहरबानी थैंक यू तारी भी जाओ बेटे दूजे दूजे सवेर तो जाए कोई गल नहीं पहले गाने तो गुरु रविदास महाराज जदों जदों भी कोई अवतार दुनिया के आया ना उसकी कोई वजह है आने की ध्यान दो। गुरु रविदास महाराज का मैं शब्द या भजन इस करके नहीं गा रहा कि मेरे को कापी के लिखा पाया मैं उही गाता। जे तुसीं कहोगे गुरु रविदास महाराज ने पांच घंटे गाना तो पांच घंटे उही गावांगा। जे गुरु नानक देव महाराज ने पांच घंटे गाना तो उही गावांगा। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पांच घंटे गाना तो उही गावांगा। जे तुसीं कहो भी पांच घंटे गजल गाउणी है तो गजल होएगी, जे कवाली गाउणी है तो कवाली होएगी, जे फोक गाउणा है तो फोक होएगा, जे सूफियाना गाउणा है तो सूफियाना होएगा। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਗੀਤ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਦੋ ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰ ਜੀ दाता भेस बता के जग ते आ जो खुद अवतार जी। जे किसी अवतार ने पैदा होना होवे ना तो सच्चे अकाल पुरख